बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम एक्सेल सीखने जा रहे हैं और एक्सेल स्टार्ट करेंगे। आज हमारा एक्सेल में फ़र्स्ट लेसन होगा, ट्यूटोरियल होगा और हम इंतहाई बेसिक लेवल की बातें करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ इसके एक्सेल को समझना, मैं यही अज्यूम करूँगा कि आपको एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता। आप एक्सेल बिल्कुल जो है वो शुरू से सीखने जा रहे हैं, तो इस लिहाज से मैं ज़रा आपसे बहुत बेसिक लेवल की बातें करूंगा। तो ये जो सेल है, ये एक कम्बिनेशन होता है। कहीं पे भी आप कर्सर लेके जाएं, कहीं पे भी, यहाँ पे आपका प्लस का जो बटन होता है, यहाँ पे आप माउस को लेके जाएं तो ये प्लस में ही आपको शो हो रहा होगा। और एक्सेल में अच्छा काम करने के लिए आपको थोड़ा सा इसकी बड़ा माइन्यूटली चीज़ों को देखना पड़ेगा। आप देखें, एक्सेल को कहीं पे भी मैं मूव करवा रहा हूँ कर्सर को, तो ये प्लस में शो हो रहा है। इट्स मीन कि आपको आपकी विजिबिलिटी क्लियर है और आप जो है वो रो और कॉलम के कम्बिनेशन पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपको वो यहाँ पे इस जगह पे वो लोकेशन शो करेगा, जहाँ पे कॉर्नर में लेफ़्ट साइड पे। तो ये क्या होता है कि इनफैक्ट ये आपकी प्लेस शो करता है कि आप किस सेल में काम कर रहे हैं। और एच की बात करें तो ये हमारे पास जितने भी कॉलम्स हैं, अब मैं अगर फर्ज किया यहाँ पे अगर देखूँ तो ये मेरे टॉप पे ये कॉलम है, कॉलम ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ, जी, एच, सो ऑन। अगर आप मूव करते जाएँ तो ये आपके बहुत सारे चले जाते हैं। ये तकरीबन जो है 256 तक मेरे ख्याल में ये जाते हैं। अब एग्जैक्टली मुझे ये एक दफ़ा जी पे जाएगा और जी के साथ अब दोबारा उसने ए बी सी के सो ऑन शुरू कर दिया। तो ये बहुत आपके पास काम हो सकता है इसमें, मतलब इसकी कोई इतनी जो है वो जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो किसी भी लोकेशन पे आप होंगे तो ये सबसे पहले आपकी जो लोकेशन शो करेगा, तो सबसे पहले ये आपको बताएगा कि कॉलम किस में है और साथ में आपको ये बताएगा कि रो किस में है। तो ये हमारे पास रो है 1 2 3 4 5। तो आपने अब तक ये याद रखना है कि हमें कॉलम जो एक्सेल में कॉलम जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकली शो किए जाते हैं ए बी सी के नाम से, और जो रोज़ होती हैं 1 2 3 न्यूमेरिकली शो की जाती हैं। तो अक्सर इसमें से पूछा भी जा सकता है कि सवाल कि कॉलम जो है वो किस से शो किए जाते हैं, अल्फ़ा या फिर न्यूमेरिक के साथ, या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक, या फिर नन, या फिर आल आर करेक्ट। तो ये इस तरह का ऑप्शन आ सकता है। तो आपने ये याद रखना है कि कॉलम जो है वो अल्फ़ाबेटिकली शो किए जाते हैं और जो जो रोज़ हैं वो न्यूमेरिकली शो की जाती हैं। तो अब आपने ये याद रखना कि कहीं पे भी आप होंगे तो सबसे पहले आपकी जो लोकेशन है उसमें आपका कॉलम शो हो रहा होगा और साथ में आपकी रो शो हो रही होगी कि आप जहाँ पे भी हैं, यानी कि ई कॉलम में चौथी रो पे आप जाएं तो ये आपका जगह बनती है। तो यहाँ पे हाँ, तो ये हमारा सेल है और जो एक सिंपल है, जो एक कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम है, और एक को सिलेक्ट करें तो ये हमारी रो है और ये जो मैंने सेलेक्ट किया ये हमारा कॉलम है। तो ये आपको जब पता चल गया कि हम कॉलम और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि एक्सेल जो है ये ज़्यादातर यूज़ होता है मैथमेटिकल टाइप डेटा टाइप और न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिक डेटा है उसको मैनेज करने के लिए। आपके पास जो रिकॉर्ड हो और न्यूमेरिक्स फॉर्म में हो तो वो आप अपना मैनेज करते हैं। ज़्यादातर एक्सेल इस मकसद के लिए यूज़ होता है, वरना एक्सेल भी बहुत एक फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन है जिसके अंदर बहुत सारा आप काम कर सकते हैं और जिनका काम एक्सेल पे ज़्यादा होता है और वो एक्सेल में इतने एक्सपर्ट होते हैं, इवन के वो एमएस वर्ड वाला काम भी एक्सेल में कर रहे होते हैं। और बड़ा ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। जब हम इसके चलते जाएंगे तो आप इसके देखेंगे कि कितना खूबसूरती से और बेहतरीन तरीके से एफिशिएंसी के साथ आप कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि हमारे कोई एक स्कूल हम अज्यूम कर लेते हैं जिसकी 5 क्लासेज हैं, तो उसके स्टूडेंट्स के कुछ नाम भी होंगे हमारे पास, और फिर जो है वो, या फिर हम एक क्लास अज्यूम कर लेते हैं, एक क्लास है उसके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं और हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, तो उसको हम किस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें करते जाएंगे। तो यही जो फार्मेट है आप किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब फर्ज किया नेम ऑफ स्टूडेंट जो है मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, नेम ऑफ
स्टूडेंट। तो ये टाइप करना या जो डाटा एंटर करना सबसे पहला काम होता है। और इससे पहले भी मैं थोड़ा सा एक आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिख लेता हूँ, सीरियल नंबर। और एक इशू ये है कि आप अगर सीरियल नंबर शनाख्त के लिए लिखते हैं तो अब यहाँ पे नंबर आपके चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वन पे ये जो हमारे पास जो रोज़ हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 1, 2, 3 से शो होती हैं। तो आपने सीरियल नंबर और रो के नंबर को आपस में कंफ्यूज़ नहीं करना। तो हम सीरियल नंबर कर लेते हैं 1, 2 एंड 3। तो अब देखें कि एक्सेल के कमालात, ऐसा ऐसा हम काम भी करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। अब अगर आप 3, 4, 5, 6 अगर आप 20 तक जाना चाहते हैं तो आपको बाकायदा 20 तक लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें। इसके दो तरीके हैं। अब मेरे पास लैपटॉप है तो माउस पे अगर होंगे तो फिर आप कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ भी आप जो है वो कर सकते हैं। अब देखें कि मैंने यहाँ पे किया और मैं शिफ्ट को, शिफ्ट के बटन को प्रेस करता हूँ, साथ में एरो की जो बिलो है यानी कि नीचे जो आपका शो हो रहा है आपकी तरफ उसकी डायरेक्शन है एरो की, उसके साथ करेंगे तो सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे आप जो इसके सिलेक्टेड एरिया, इस पे आप अपनी कर्सर को लेके जाते हैं तो प्लस का बटन शो हो रहा है, लेकिन इसके कॉर्नर में जाएं तो यहाँ पे बारीक प्लस का बटन शो हो रहा है। यहाँ पे देखें जो एक प्लस का एक सिंबल है लेकिन ये मोटा है या और वाइट कलर का है। और यहाँ पे अगर इसके बटन पे मैं जब जाता हूँ तो ये शो हो रहा है लेकिन ये प्लस की फॉर्म में। अब मैं जो कीबोर्ड है, सॉरी मेरे पास जो लैपटॉप है, मैं इसके माउस तो नहीं है तो इसका लेफ़्ट जो बटन है उसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको मूव कराना शुरू कर देता हूँ। तो ये साथ में नंबर शो कर रहा है कि मैं अब किस जगह पे पहुँच चुका हूँ। तो लेट्स सपोज मैं अगर 20 तक जाना चाहता हूँ, 200 तक जाना चाहता हूँ, जहाँ तक जाना चाहता हूँ, ऑटोमेटिकली ये आप इसको लेके खींच के लेके जाते जाएँ, ड्रैग करते जाएँ तो ये आपके नंबर ऑटोमेटिकली लिखता जाएगा और आप 200 तक पहुँच जाएंगे। चलें 200 से भी ऊपर चला गया। अब इसने बिल्कुल एग्जैक्ट और कंजेक्टिव नंबर इसने शो करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे चाहिए थे सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर, क्योंकि बाकी तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो मैंने 10 नंबर तक मुझे चाहिए थे, बाकी को मैंने सेलेक्ट किया और डेल किया यानी कि डिलीट किया तो वो डिलीट हो गए। अब मेरे पास सीरियल नंबर है तो इसको अब देखें, मैं बार बार इस तरीके से आराम से जाता जाऊंगा तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं अब कंट्रोल और एरो ऊपर वाला दबाता हूं तो ये मुझे ऊपर लेके चला गया। अब देखें नेम ऑफ स्टूडेंट जो है ये थोड़ा सा जो कॉलम है मुझे ज़्यादा चाहिए, तो मैं इस पर दो तरीके से, या तो मैं इस तरीके से इसको ड्रैग करके जो है वो चौड़ा कर लेता हूँ कॉलम को, अदरवाइज एक और तरीका यहाँ पर था इसका बेसिकली, और मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक कब मैंने किया, यहाँ पर जब इसका प्लस बना है लेकिन इसके साइड वाले दोनों एरोज़ बने हुए हैं। अब इसको मैंने डबल क्लिक किया तो इसने अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लिया। अब मैं नेम ऑफ स्टूडेंट जो है उस्मान, अख्तर, अनवर, अली, इसके बाद मैं कोई और नाम, राहत, सुबहान, श्याम, इसके अलावा मैं इसका नाम अब्बास, नज़र, अकबर। तो ये मेरे क्लास के स्टूडेंट्स थे, लेट्स सपोज मैंने इनके नाम एंटर कर दिए। अब मैं आगे सब्जेक्ट लिखना चाहता हूँ, मैथ, इंग्लिश, उर्दू और आगे चल के इस्लामिक स्टडी। ये मेरे सब्जेक्ट आ गए। अब मैं इनको भी ऐड कर दिया कि एक हमारे पास क्लास है उसके 10 स्टूडेंट्स हैं और हमारे जितने सब्जेक्ट, फर्ज किया एक टीचर ये 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाता है, उसका वो डाटा कुछ मेंटेन करना चाहता है तो किसी भी तरीके से वो डाटा किस तरीके से एंटर कर सकता है। अब यहाँ पे देखें तो ये कोई प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, इसको मैं प्रोफेशनल करने के लिए मैं रो को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल बी करता हूँ या बोल्ड करता हूँ तो ये कंट्रोल बी के साथ, या फिर यहाँ से आप जाके इसको बी को प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे आई के साथ करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा और यहाँ पे आप अंडरलाइन भी इसको कर सकते हैं। तो मैंने यही किया तो इसने मुझे
ये डेटा प्रोवाइड कर दिया, और मैं इन नाम्स को भी बोल्ड करना चाहता हूँ, तो ये भी कंट्रोल बी किया मैंने और ये बोल्ड हो गया मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास नाम जो हैं वो किसी और कलर में शो हो जाएं। लेट्स सपोज ये हो जाते हैं मेरे पास रेड कलर में, और मेरे पास जो ऊपर वाली रो है इसके मैं पूरे जो डेटा है या सब्जेक्ट्स हैं इनको मैं किसी ब्लू कलर में शो करना चाहता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया, मैं चाहता हूँ इसको कलर चेंज करना है, तो ये मैंने ब्लू कलर में शो कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे अब देखें फंस गया मैं, इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, इनको मैं इनकी जो कॉलम और रोज़ हैं इनको एडजस्ट नहीं करता, तो इसमें इसको पूरे को सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे वो जिस तरीके से आपका प्लस माइनस शो हो रहा होता है और एरोज शो हो रहते हैं, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे जितने भी कॉलम्स आपके होंगे वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो अब तक हमने क्या सीखा कि हमने सीखा कि सेल क्या होता है, कॉलम क्या होते हैं, कॉलम को हम अल्फ़ाबेटिकली शो करता है एक्सेल, और जो रोज़ हैं उनको न्यूमेरिकली शो करता है, और हमने डेटा को टाइप किया कुछ, और इसको हम सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं। अब मुझे नंबर 1, 2, 3, 4 ये सेंटर में चाहिए थे, मैंने सेंटर में कर दिया, और ये नेम जो है मुझे ये भी सेंटर में चाहिए थे, वो भी मैंने सेंटर में कर दिए। अब मेरे पास डेटा जो है इस तरीके से मैं मैनेज करना शुरू, तो ये होम पे हम काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें अभी सीखनी है, लेकिन आज का ये हमारा बेसिक जो टॉपिक था, तो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ें डाटा इंटर करेंगे, और उसका कुछ ना कुछ कि इन्होंने कितने इसमें से नंबर लिए या फिर इनके अटेंडेंस के मामलात, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते जाएंगे, लेकिन बड़े सिंपल तरीके से आपने यही चीज़ें हर जगह पे अप्लाई करनी होंगी। यानी कि अगर स्टूडेंट और क्लास का मामला है तो इस तरीके से आप बिजली के बिल्स का मामला है या फिर कहीं पे फंड्स आपके पास हैं उनको एग्जीक्यूट करना है या एक्सपेंड करना है, तो उनको कैसे मैनेज करते हैं, अपने ऑफिस का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में उसके रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, आप दोस्तों का एक कोई फंड मैनेज कर रहे हैं उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो एक्सेल बहुत वसीय है, बहुत फ्लेक्सिबल है, और बहुत सारे इसमें फंक्शन हैं। तो आज का ये लेसन यहाँ पे क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में और चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।